हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स माय ओपिनियन ऑन मूवीज, शोज एंड वेब सीरीज। तो आज हम लोग करने वाले हैं 777 चार्ली मूवी का रिव्यू। यार एक बात कहना चाहूँगा यार, साउथ इंडस्ट्री क्या है यार, मतलब एक से एक ऐसी ऐसी चीज़ें दे रही है आप इस मूवी में। मतलब यार स्टार्टिंग जब आप देखोगे और लास्ट तक आते आते आपके आंखों से आंसू नहीं निकल गए। तो यार बात ही खत्म, छोड़ दो, मत देखो साउथ मूवी। यार मुझे रुला दिया, आप धीरे धीरे करके स्टोरी से खुद कनेक्ट कर लोगे, ऐसी स्टोरी डाली गई है। तो इट इज डायरेक्टेड बाय किरण राज के, स्टारिंग रक्षित शेट्टी एंड श्वेता सिंगेरी, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरी क्या रहती है कि धर्मा नाम का एक इंसान रहता है जो कि बहुत अकेला होता है, घर से जॉब पे, जॉब से घर पे, यही उसकी ज़िंदगी रहती है, दारू वगैरह में ज़िंदगी बर्बाद करता है। फिर उसके लाइफ में एंट्री लेता है चार्ली नाम का एक कुत्ता, कुतिया एक्चुअली में, डॉगी, फीमेल डॉग रहती है। तो उसके आने के बाद रक्षित शेट्टी की लाइफ में जो जो चेंजेस आते हैं भाई, इसको भी दिखाया गया है। डायरेक्शन इस मूवी में बहुत हार्ड है, बहुत अच्छे हैं डायरेक्शन इस मूवी में। और एक्टिंग की बात करें तो रक्षित शेट्टी ने क्या एक्टिंग की है, उनकी आंखों से ही आपको एक एक इमोशन दिख जाते हैं। और इसमें जो फीमेल जो डॉग ने जो एक्टिंग की है ना, वो अच्छे अच्छे बॉलीवुड के एक्टर्स टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, ये सब नहीं कर पाएंगे। डॉग भी ऐसे से एक एक स्केल पे आप देखो, एक एक फ्रेम पे आप देखो, डॉग भी पूरे इमोशंस को एकदम क्वालिफाई कर रहा है, पूरा स्ट्रगल कर रहा है एक एक फ्रेम में वो डॉग भी। और ये बॉलीवुड वाले हैं, हर चीज़ में मतलब आप देख सकते हो यार, एक्टिंग घंटा नहीं आती उसमें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे बॉलीवुड एक्टर्स खराब ही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को एक्टिंग नहीं आती, 100 में से 80 को आती है, बट 20 जो है अपने कुछ आती नहीं है, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। और इस मूवी को देखो, स्टार्टिंग में इमोशंस डाले गए, बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, उसके बाद जो इमोशंस पे इमोशंस आते आते हैं, आप धर्मा की लाइफ से खुद को कनेक्ट कर लोगे। आपको लगे यार लाइफ में एक पेट डॉग तो होना चाहिए, ठीक है, और लाइफ में एक पेट डॉग होना चाहिए। तो एक फर्स्ट हाफ में आपको दिखाया जाता है कि धर्मा और चार्ली के बीच का कनेक्शन दिखाया जाता है, कैसे वो लोग कनेक्ट होते हैं। और सेकंड में जो जर्नी स्टार्ट होती है हिमाचल के लिए दोनों की, स्नो देखने के लिए, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है यार, मतलब एक एक फ्रेम आप देख लो। और क्लाइमेक्स की तो बात ही नहीं करें, क्लाइमेक्स विजुअल्स देखो, और क्लाइमेक्स आप लोग रो करोगे, ऐसी एक्टिंग ही की गई है यार। और लास्ट में यार ऐसी स्टोरी भी ऐसी है यार, स्टोरी बेसिक सी स्टोरी है, बट ऐसा कर दिया गया है ना इस स्टोरी को, आई जस्ट लव्ड इट यार। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार, ठीक है। और यार मूवी क्या बोलूँ, बहुत अच्छी मूवी, 5 में से 5, और आपको देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट लवर्स को ही, ये मूवी इमोशन से भरी हुई है, बहुत अच्छी मूवी है, आप जाकर देखो यार। ऐसी मूवी बहुत कम बनती है एक्चुअली में, और साउथ इंडस्ट्री तो आजकल पटाखे पे पटाखे फोड़े जा रहा है, ऐसी ऐसी मूवीज दिए जा रहा है। अब देखिए रहो, अभी विक्रम का मैंने रिव्यू किया, अब कैसी मूवी है, इतनी तगड़ी मूवीज है, ठीक है। एक तरफ हमने अच्छी से अच्छी मूवी देखी और वाहियात से वाहियात मूवीज भी देखी, ठीक है। और साउथ में ज़्यादातर अच्छी मूवीज बन रही है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, बॉलीवुड में ज़्यादातर वाहियात से मूवीज बन रही है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।